हे नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्नोलॉजी चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कहीं पे किए हैं शॉपिंग के लिए, तो कैसे आप उसको EMIs में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको जो है EMI में वहीं पे आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी शॉप पे जाके अपने कार्ड को स्वाइप करो या फिर किसी मॉल से अगर आप कुछ भी परचेज करो, तो दोस्तों वहाँ पर आपका सीधा वो अमाउंट होता है। अगर आप उसको EMIs में नहीं कन्वर्ट करते हो सकता है आगे चल के आपके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग जाएँ। तो इस वजह से आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप भी अपने कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड की EMIs को आप जो है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसको आप इजीली कैसे EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आज मैं यूज़ करने वाला हूँ मोबाइल ऐप। आपके पास में भी कोटक का मोबाइल ऐप होना चाहिए। अगर आपका 811 वाला अकाउंट है तो आपके पास डेफिनेटली ऐप होगा। अब दोस्तों आप जब ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका यूज़र इंटरफेस यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है। तो सिंपली आप दोस्तों यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड बोल के, आपको इसके ऊपर में एक बार जस्ट ऐसे टैप करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह दिख जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जो है EMI में कन्वर्ट करना है, कोई भी आपने अगर कुछ भी परचेस वगैरह किया है उस अमाउंट को अगर EMI में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखता है कन्वर्ट टू EMI। इसके ऊपर जस्ट आप एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप अपना पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे। अब जैसे कि दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड वहाँ पे एंटर कर लिया, इसके बाद में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह देखने को मिलता है। सिंपली आपको अप्लाई नाउ के ऊपर में दोस्तों क्लिक कर देना होगा। अब जैसे दोस्तों मेरा यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिख रहा है 28 दिसंबर का 8060 रुपीज़ का। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है EMI के ऊपर में, तो सिंपली मुझे इसके ऊपर में क्लिक करना होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपको मिलता है सिलेक्ट इन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो उनके प्लान्स या फिर मंथ्स, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 और 48 मंथ, मतलब आप हाईएस्ट 48 मंथ तक जो है कन्वर्ट कर सकते हो EMI को। स्टार्टिंग होती है यहाँ पे 3 मंथ से। जैसे मुझे यहाँ पे भी करंटली 6 मंथ का लेना है, मैंने 6 मंथ पे क्लिक किया। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.16% है। इस अमाउंट का आपको 1.16% देना होगा, प्लस दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी है वो 1000 जो आपने स्पेंड किया उस पर 25 रुपीज़ करके आपको देना होगा अलग से। तो चलिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है सबमिट EMI कन्वर्शन, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको एक बार सब कुछ शो होगा, आपका कार्ड नंबर, आपका अमाउंट जितने का आपने ट्रांजेक्शन किया है, कितना मंथ की आप EMI ले रहे हो, वो इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी। अब सिंपली दोस्तों आपको कन्फर्म के ऊपर में एक बार क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है दोस्तों वो सबमिट हो चुकी है। अभी आपको इसका मैसेज वगैरह भी मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24 आवर के अंदर में आपकी जो ये अमाउंट है वो 6 मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली आपको होम पे चले जाना होगा और अगर आप देखोगे कन्वर्ट टू EMI पे जाके, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे कर जाके आप देखोगे तो सिंपली अभी भी मुझे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे 24 आवर्स लगेंगे इसको जो है अपडेट होने में और उसके अंदर अंदर में आपको दोस्तों मैसेज वगैरह मिल जाएगा और आप वहाँ से जाके आपका जो बिल जनरेट होता है तकरीबन 22 तारीख को मेरा होता है और 7 तारीख मेरी लास्ट डेट होती है नेक्स्ट मंथ में, तो उसके बीच में मुझे दोस्तों जाके पेमेंट इसकी कर देनी होगी। और दोस्तों कुछ इस तरह से ये काम करता है, आप इजिली जो है अपने मोबाइल ऐप से अपने अमाउंट की EMI को कन्वर्ट कर सकते हो। ना तो आपको कस्टमर केयर से बात करनी है और दोस्तों सेम प्रोसेस आप जो है इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। अगर आपके पास में मोबाइल ऐप नहीं है तो सेम आपको ऑप्शन क्रेडिट कार्ड के फ्री और वहाँ पे ऑप्शन में जाना होगा और वहाँ से भी आप जो है अपने अमाउंट को EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप फैन हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आने वाले कुछ ऐसे ही वीडियोस के अपडेट के लिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।